हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन सेंटर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू पेन से आपको किस तरह लिखना चाहिए, कौन सा पेन आपको इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही साथ बताऊंगा कौन सी राइटिंग एग्जाम में लिखनी चाहिए, किस तरह से आप राइट करें तो आप अच्छा लिख सकते हैं एग्जाम में और फास्टली लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक समरी लिख के दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन। ये देखिए, ये ब्लू पेन है, SP10 है डॉलर का। आप भी यही इस्तेमाल करें क्योंकि इसके साथ एक तो राइटिंग बड़ी अच्छी आती है और ये फास्ट बहुत लिखता है। अगर आपने एग्जाम के लिए अगर इसको रेडी करना है तो आपका जो टेस्ट सेशन होगा, जो रेगुलर टेस्ट होंगे, उसके अंदर आप वो पेन इस्तेमाल करें जिससे आपने एग्जाम में लिखना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। मैं आपको एक समरी लिख के दिखाऊंगा और जो स्ट्रेट वर्ड्स में होगी, कोई ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं होंगे उसके अंदर, क्योंकि जो स्ट्रेट राइटिंग होती है वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है, क्योंकि कुछ एग्जामिनर होते हैं उनको राइटिंग अच्छी नहीं लगती, वो ज्वाइनिंग राइटिंग उनको नहीं अच्छी लगती, इसलिए उन स्ट्रेट राइटिंग में लिखा है तो रीडेबल होता है, ज्यादा आसानी से रीड हो जाता है और एग्जामिनर को अच्छा भी लगता है। चलिए मैं आपको समरी लिख के दिखाता हूँ। स्ट्रेट वर्ड्स हैं, कोई ज्वाइनिंग राइटिंग नहीं है, ये रीडेबल है, आसानी से रीड हो जाता है। आप भी इस तरह लिखेंगे तो अच्छा लगेगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अगर आपको राइटिंग अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए, मैंने आपको समरी की कुछ लाइंस लिख के दिखाई हैं, 4 to 5 लाइंस लिख के दिखाई हैं। इसके अंदर हर एक वर्ड रीडेबल है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो एग्जामिनर को अच्छी तरह से ना समझ आ रहा हो, हर वर्ड वो आसानी से रीड कर सकता है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी राइटिंग होगी तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि वो हर वर्ड आसानी से पढ़ सकेगा, उसको कोई प्रॉब्लम एग्जामिनर को नहीं होगी। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ज्वाइंट राइटिंग में लिखते हैं वो भी अच्छी है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। कोई कोई एग्जामिनर होते हैं उनको नहीं समझ आती ज्वाइनिंग राइटिंग की कि क्या लिखा हुआ है, मैं खुद पढ़ते हुए खुद ज्वाइनिंग राइटिंग मुझे नहीं समझ आती है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह लिखते हैं तो मैं उनकी जब राइटिंग देखता हूं तो कभी कभार नहीं वर्ड समझ आ रहे होते, इसलिए मैं तो शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग लिखता हूँ। एग्जाम मैंने
नाइन्थ टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी यही राइटिंग अडॉप्ट की है और अच्छे मार्क्स आए हैं माशाल्लाह से। आप भी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग में लिखें, ये इससे क्या होता है कि हर वर्ड आसानी से रीड हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर स्टूडेंट के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, रेगुलरली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ पिछले एक मंथ से। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।